नमस्कार दोस्तों, सुनीता सुमन किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस बच्चों को बहुत पसंद आता है और हमारी बहुत सारी चीज़ों में बहुत डेकोरेशन करने के बहुत काम आता है, जैसे केक को डेकोरेट करना है या फिर आइसक्रीम या फिर आप कुछ कोई बिस्किट वगैरह आप बच्चे को देना चाहते हैं, बच्चा नहीं खा रहा है, या फिर कॉफ़ी को डेकोरेट करना है, इसमें ये बहुत काम आता है और सबको बहुत पसंद आता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम लेंगे 1 गिलास पानी, 3 चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा, ग्रोसरी की दुकान से। और ये है 5 चम्मच पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी की जगह आप नॉर्मल चीनी भी यूज कर सकते हैं। और ये है 1 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ले सकते हैं, इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं। और आपके घर में अगर सॉस जल्दी ख़त्म हो जाता है, चॉकलेट सॉस, तो आप पानी की जगह दूध भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस ऑन करेंगे और 1 गिलास जो हमने पानी लिया था वो पैन में डाल देंगे। और जो हमारी ये चीज़ें हमने ली थी, इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से सबको। इसके लिए हमें 1 चम्मच बटर चाहिए, तो बटर को हम लास्ट में डालेंगे, अभी नहीं डालना है। मिक्स करेंगे सबको। देखिए दोस्तों, पानी गुनगुना हो गया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। चलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके हमें डालते जाना है, एक साथ नहीं डालेंगे। देखिए इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं होनी चाहिए और एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है। इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके सारा डाल देंगे, लाते रहेंगे। आप चाहो तो पहले इन चीज़ों को मिक्सी के जार में पानी के साथ चला के भी और पैन में डाल सकते हो, जिससे कि मिक्स करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आंच को मीडियम रखेंगे। हमारी सब चीजें इसमें अच्छे से घुल गई हैं। अब हम इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा बन जाए। देखिए दोस्तों, सॉस हमारा चॉकलेट सॉस पकने वाला है। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे बिल्कुल 1 चुटकी नमक। 1 चुटकी नमक डालेंगे और इसमें डालेंगे अब हम आधा चम्मच घी। आप एक अगर चाहें तो 1 चम्मच बटर डाल सकते हैं, मेरे पास बटर नहीं है इसलिए मैं आधा चम्मच घी डालूंगी। इसको चलाते जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, हमारा चॉकलेट सॉस ठंडा हो चुका है और ये काफ़ी थिक हो गया है। देखिए बहुत अच्छा बना है। और अब हम इसको गिलास में डाल लेंगे। आपके पास कोई बोतल है तो आप बोतल में डाल लें, किसी भी बर्तन में, आप जिसमें आपका मन करे उसमें डाल लें। और फिर मैं इसको किसी दूसरी बोतल में भर लूँगी ताकि जिस चीज़ करना है उसके पास ही हम इसको, उसके ऊपर हम इससे अच्छे से डेकोरेट कर सकें। मेरे पास ये सॉस की खाली बोतल है तो मैं इसी में इसको डाल लूँगी। इसमें डाल के हम इसको किसी भी बोतल में डाल के किसी भी बर्तन में फ्रिज में 1 महीने तक हम इसको रख सकते हैं। ये खराब नहीं होगा और बहुत काम आता है। देखिए दोस्तों,
बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी शाइनिंग भी आई है। रहने दो, ये काट दे। बहुत अच्छी शाइनिंग आई है इसमें और बहुत अच्छा सॉस हमारा बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप भी जरूर बनाइए, और इसको बनने में 5 मिनट या 6 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इससे हमारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।